Hello everyone, welcome or welcome back to this channel and welcome to a new video and also welcome to a new Meesho haul. आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ छोटा सा एक Meesho haul शेयर करने वाली हूँ. चार पांच आइटम्स मैंने रिसेंटली Meesho से लिया है. सबका कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड अगर आपने अभी तक Meesho ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे दिए हुए लिंक से आप Meesho ऐप को डाउनलोड जरूर कर सकते हो. इसमें आपको पहले ऑर्डर पे 30% डिस्काउंट या फिर 100 रुपीज तक ऑफ मिल जाएगा. डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उस प्रोडक्ट्स को आप खुद के लिए भी परचेज कर सकते हो या फिर आप रीसेल भी कर सकते हो एंड घर बैठे पैसा अर्न कर सकते हो. तो चलिए गाइस और ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सबसे पहले मैंने लिए है इस तरह की एक कॉटन कुर्ती एंड ये जो कुर्ती है गाइस ये समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है एंड ये आप देख सकते हो कि ये व्हाइट कलर में है एंड बीच में इस तरह की नेवी ब्लू कलर की डिजाइन दे रखा है. जो भी है यहाँ पे टोटली प्रिंटेड है, कोई भी थ्रेड वर्क नहीं है एंड पूरी कुर्ती में फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में ही सेम डिजाइन दे रखा है. एंड फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह की बटन्स दे रखा है. पीछे से ये हाई नेक है एंड फ्रंट से ये राउंड शेप में आते हैं एंड ये जो है इसको मैंने एस साइज में लिया है, स्मॉल साइज में लिया है. उससे लेके डबल एक्सएल तक ये आपको मिल जाएगा Meesho पे. इसके साथ 3/4 स्लीव्स भी मिलते हैं एंड ये और भी कलर्स में अवेलेबल है. ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में भी है. इसका प्राइस है सिर्फ 299 रुपीज एंड सेल के टाइम अगर आप परचेस करोगे और भी कम प्राइस में ये आपको मिल जाएगा. प्राइस के हिसाब से इसका क्वालिटी काफी अच्छा है एंड ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है. समर के टाइम आप इसे बिना सोच के परचेज कर सकते हो एंड ये बहुत ही कंफर्टेबल है. पहनने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं एंड बिल्कुल भी हेवी नहीं है. मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है एंड रेगुलर यूज के लिए ये काफी अच्छा है एंड मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी. कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जरूर चेकआउट कर लेना. उसके बाद मैंने जो लिया है वो भी नेवी ब्लू कलर की एक टॉप है एंड इसका पैटर्न भी काफी अच्छा है एंड ये जो देख रहे हैं ये क्रेप मटेरियल का है एंड इस तरह की और भी एक टॉप मेरे पास है एंड उस टॉप मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इसीलिए सेम सेलर से मैंने ये टॉप को खरीदा है. सेम पैटर्न की जो टॉप मेरे पास है उसका भी पिक्चर मैंने ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं. एंड ये जो है ये फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में सेम डिजाइन दे रखा है. बैक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से चेन सिस्टम है. ये भी स्मॉल साइज से लेके डबल एक्सएल तक आपको मिल जाएगा Meesho पे एंड इसमें भी 3/4 स्लीव्स अवेलेबल है एंड स्लीव्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इलास्टिक सिस्टम्स है. इसका मटेरियल है क्रेप. फ्रंट नेक इस तरह की राउंड शेप में है एंड फ्रंट में इसका पैटर्न कुछ इस तरह की है एंड फुल्ली ये प्रिंटेड वर्क में है. फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में ही प्रिंटेड है एंड टॉप के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इलास्टिक सिस्टम है. ये भी बहुत ही सॉफ्ट एंड लाइट वेट है, पहनने के बाद बिल्कुल भी हेवी नहीं है एंड समर के टाइम आप इजीली इस तरह की टॉप पहन सकते हो एंड ये ब्लू कलर की जीन्स के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा. चाहो तो आप ब्लैक कलर की जीन्स के साथ भी इसे पेयर अप कर सकते हो. ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. मुझे इस तरह की टॉप बहुत ही अच्छा लगते है. वॉश करने के बाद भी इसे आयरन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसका जो मटेरियल है क्रेप एंड ये ऐसे ही स्ट्रेट रहते है इसीलिए इस तरह की टॉप मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो. इसका और भी बहुत सारा इसका वैरायटी आपको मिल जाएगा Meesho पे. अलग अलग सेलर्स के पास ये अलग अलग प्राइस में मिलते हैं. मैं जो सेलर से लिया है वहाँ पे इसका प्राइस था 253 रुपीज एंड बहुत ही अफोर्डेबल है एंड यूजफुल भी है. इसका भी कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना. उसके बाद मैंने लिया है एक बेलीज एंड ये जो बेलीज है गाइस ये पीच कलर में है एंड इसका और भी कलर्स अवेलेबल है एंड इसका क्वालिटी सच में बहुत अच्छा है गाइस एंड इसका मटेरियल है सिंथेटिक एंड ये इस तरह की सॉलिड पैटर्न में है. इंडियन जो साइज होते हैं 4 साइज के लेके ये 8 तक आपको मिल जाएगा. अंदर इस तरह की व्हाइट कलर में है एंड पीछे की साइड अगर आप देखोगे ये
थोड़ा सा छोटा सा एक हील यहाँ पे दे रखा है। इसके साइड में इस तरह की डिजाइन में है एंड ये बिल्कुल भी स्लीपरी नहीं है। पहनने में ये बहुत ही कंफर्टेबल है, पैरों में कुछ भी इरिटेशन कुछ भी नहीं होता है इसे पहनने के बाद। इसका क्वालिटी मुझे काफी अच्छा लगा है एंड इसका और भी कलर्स अवेलेबल है। आप चाहो तो इसे ब्लैक कलर में भी ले सकते हो, ब्लैक कलर भी अवेलेबल है एंड पीच मैंने जो लिया है पीच कलर में, ये व्हाइट कलर में भी अवेलेबल है। इसका प्राइस है 310। अलग अलग सेलर्स के पास ये अलग अलग प्राइस में मिलते हैं गाइस, आपको बहुत सोच के एंड कस्टमर रिव्यू देख के ही परचेज करना है। मैं जो सेलर से लिया है उसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया है, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। एंड इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है गाइस, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी, आप इसे जरूर परचेज कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है एक रिस्ट वॉच एंड ये कुछ इस तरह की है एंड ये जो है आप देख रहे हैं टोटली सिल्वर कलर में है एंड इसका डायल इस तरह की ब्लैक कलर में है एंड राउंड शेप में है एंड इसका जो स्ट्रैप मटेरियल है ये है मेटल। ये एक ही साइज में आते हैं गाइस, आप आपकी साइज के अकॉर्डिंग आप इसको कट करवा सकते हैं। मेरे हाथ के लिए ये थोड़ा सा बड़ा साइज में आया था तो दुकान से मैंने इसे कट करवाया है, मुझे काफी अच्छा लगा है एंड इसका प्राइस है सिर्फ 189 रुपीज। देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, प्राइस के अकॉर्डिंग ये काफी अच्छा है एंड मैंने इसे सेल के टाइम परचेज किया था तो मुझे ये 129 रुपीज में मुझे मिल गया था। पावर सोर्स है इसका बैटरी, ये बैटरी पावर्ड है, इसको मैंने कुछ दिन यूज भी किया है एंड इसका जो स्ट्रैप है ये बिल्कुल भी फेड नहीं होते हैं एंड ये इस तरह की प्लास्टिक में मुझे रिसीव हुई थी एंड इसके बाहर में और भी एक पैकेजिंग था, ये ब्लैक कलर में मैंने इसे लिया है लेकिन ये और भी कलर्स में अवेलेबल है, आपको व्हाइट पिंक एंड और भी कलर में ये आपको मिल जाएगा मीशो पे। उसके बाद मैंने लिया है इस तरह की दो इयररिंग्स एंड ये इयररिंग्स एक्चुअली कॉम्बो में था, इसको मैंने अलग से परचेज नहीं किया है, ये इस तरह की प्लास्टिक में मुझे रिसीव हुए थे एंड ये दो प्लास्टिक इस तरह की बॉक्स में आया था। इसमें एक है रिंग टाइप का, राउंड शेप में है एंड इसमें आर्टिफिशियल स्टोन्स एंड बीड्स के वर्क दे रखा है एंड ये पर्ल टाइप का है आप देख सकते हो एंड मिडिल पार्ट में जो है वो सबसे बड़ा है, दोनों साइड में इस तरह के छोटे छोटे बीड्स दे रखा है एंड ये बहुत ही गॉर्जियस है, पहनने के बाद भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा एंड ये जो इयर रिंग है उसके साथ जो और भी इयर रिंग है ये कुछ इस तरह की है एंड इसका डिजाइन भी मुझे बहुत ही यूनिक लगा है। सबसे ऊपर जो बीड है ये सबसे छोटा है एंड उसके बाद बड़ा साइज में बीड यहाँ पे दे रखा है, गोल्डन कलर के डिजाइन यहाँ पे दे रखा है, ये आर्टिफिशियल बीड्स एंड स्टोन्स का वर्क है एंड इसका बेस मेटल है एलॉय एंड इस तरह की इयर रिंग पहनना मुझे बहुत ही अच्छे लगते है। आप इसे वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी इस तरह की इयर रिंग को पहन सकते हो या फिर आप इसे कुर्तीज के साथ भी इसे पहन सकते हो। मैं इसे कैसे स्टाइल अप किया था आपको पिक्चर इंक्लूड कर दूंगी। तो इयररिंग मुझे बहुत दिनों से चाहिए था, मुझे अलग अलग सेलर्स के पास ये बहुत सारे सेलर्स के पास मीशो पे मिल गए थे, मैं बहुत ढूंढ के सर्च करके प्रोडक्ट लेती हूँ तो एक सेलर के पास ये कॉम्बो में था एंड कस्टमर रिव्यू भी बहुत ही अच्छा था, ये मैंने उनसे ही इसे परचेज कर लिया है, उसका कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है एंड ये दो मुझे सिर्फ 157 रुपीज में मिल गया है, काफी अफोर्डेबल है एंड काफी अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिला है। तो ये थी मेरी छोटा सा एक मीशो हॉल, आई थिंक ये हॉल आपको पसंद आया है, अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एंड और भी इस तरह की हॉल्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सी यू सून गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय।